गुज़श्ता रात नौश की आर पंजगोर में दहशतगर्दों ने बड़े हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद बड़े पैमाने पर शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत और इसके अलावा दिफाई तंजीबात को नुकसान पहुँचाना था। गुज़श्ता रात से शुरू होने वाले इन हमलों में लड़ाई अब भी जारी है और दोनों जानिब फायरिंग का तबादला हो रहा है। इन हमलों की नौयत, दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी, तैयारी और उनके नुकसान पहुँचाने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दर्जन भर दहशतगर्द जदीद असलाह, ग्रेनेड्स, खुदकुश जैकेट्स, पानी, खुराक, फर्स्ट एड्स और कम्युनिकेशन आलात से लैस होकर आए थे, लेकिन सिक्योरिटी अहलकारों की बार वक्त कार्रवाई की वजह से ये दहशतगर्द बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने में नाकाम रहे हैं। तजज़ियाकारों के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज चीन का इंतहाई अहम दौरा करने जा रहे हैं और इन दहशतगर्दों का मकसद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाकर इस दौरे को मनसूख करवाना था। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने 4 फौजियों की शहादत और 15 शिदत पसंदों की हलाकत की तस्दीक की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि ऑपरेशन अब भी जारी है और 4 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले रखा है। नाज़रीन इकराम, मज़ीद जैसी कोई अपडेट आएगी आपको आगाह करेंगे। मज़ीद खबरों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।